संभल में सपा के जिया उर रहमान बर्क 12,000 121,078 से जीते। सपा के जिया उर रहमान बर्क को मिले 5,70,745 वोट। बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को मिले 4,49,667 वोट। बसपा प्रत्याशी सोलन अली को 1,52,460 वोट मिले। जिलाधिकारी संभल मनीष बंसल द्वारा सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं जियाउर रहमान ने कहा, इस जीत का श्रेय प्यारी जनता को जाता है जो इतने भारी मतों से मुझे विजय बनाने का काम किया। मैं जनता को बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। जीत की खुशी का काफिला के साथ भारी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। मुझे खुशी है और आज जीत दर्ज हुई, और लेकिन यकीनन इस जीत के दर्ज होने के साथ साथ आज मुझे दुख भी है कि मेरे दादा मोहतरम, मेरे सरपरस्त परमानंद साहब आज मेरी सरपरस्ती के लिए यहाँ मेरे साथ नहीं है, और ये इलेक्शन बड़ा चुनौती के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन फिर भी जनता ने जो जिस तरह से वोट दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास मुझ पर जताया है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पर यकीन जताया है। यकीनन पूरा इंडिया गठबंधन अपनी जनता के लिए ही काम करेगा और देश के हित के लिए काम करेगा। खैर, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि दादा मोहतरम बर्क साहब की तरह ही उनके नक्शे कदम पर चलकर इंशाल्लाह इस राजनीति विरासत को आगे बढ़ाऊँगा, और अपनी जनता के बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी लालच के, उन लोगों की हिम्मत को अंजाम दूँगा। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।